प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर में पिछले लंबे समय से अव्यवस्था का आलम है। पहली मई से नगर परिषद क्षेत्र की 45,000 की जनसंख्या का जिम्मा सिर्फ 4 कर्मचारियों के हवाले होगा। 31 मई को एक और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद ये संख्या अब 4 रह जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सहित इस वक्त करीब 90% कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपने काम करवाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 महीने से कार्यकारी अधिकारी का पद भी खाली चल रहा है। पद रिक्त होने के बाद से इसका कार्यभार SGM सुंदरनगर देख रहे हैं, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद ये पद पूरी तरह से अब खाली हो गया है। ऐसे में नगर परिषद के माध्यम से होने वाले विकास कार्य अब लटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद है और लगभग 40,000 से 45,000 की जनसंख्या सुंदरनगर में वास करती है, लेकिन स्टाफ के नाम पर सेवानिवृत्ति के बाद हमारे पास पहली मई को लगभग 4 लोग कार्यालय में रह जाएंगे। ये बड़े चिंता का विषय है। 4 लोगों से 40,000 की नगर परिषद चलाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, एक बड़ी पीड़ा है। और इस विषय में मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा और स्थानीय जो हमारे नेता हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस विषय में जो हमारा स्टाफ है उसको उपलब्ध करवाने का प्रयास करें, क्योंकि आज नगर परिषद बिना कार्यकारी अधिकारी के और अनेकों पोस्टें नगर परिषद में खाली हैं। एक तरफ सरकार रोजगार देने के लिए कह रही है, दूसरी तरफ हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ जो खाली पोस्टें हैं उनको आप भरने का प्रयास करें। नगर परिषद उन कर्मचारियों की तनख्वाह यहाँ अपने यहाँ से देंगी, तो उसमें भी अगर सरकार ना भरे तो बड़े चिंता का विषय। मैं तो निवेदन करूँगा कि लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ये जो पद खाली चल रहे हैं इनको भरने का अगर प्रयास होगा तो बहुत सी समस्याएँ नगर परिषद के अपने में ठीक हो जाएंगी। फिर भी हमारा ये प्रयास है कि जो अपने स्तर पर सभी पार्षद बहुत अच्छी हमारे पास टीम है, मिलजुल कर हम इस व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिना स्टाफ के बहुत मुश्किल काम हमारे लिए है, क्योंकि आज बहुत बड़ा क्षेत्रफल नगर परिषद का है, बड़ी पॉपुलेशन नगर परिषद की है और एक बड़ा दबाव भी नगर परिषद पे है। लेकिन अभी तक स्टाफ की तरफ से हमने निवेदन भी किया था कि हमें स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी उपलब्धता नहीं हुई। मैं समझता हूँ जब उपलब्ध हो जाएगा स्टाफ तो बहुत सी समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी।